जो चीज़ आज हमने देखी आंखों से, ऐसे हम रील्स पे देखते थे, बट अब कुछ खुद देखा तो दिल गार्डन मज़े ही कुछ और था। मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया, अब नए नए चीज़ें देखेंगे जो रील्स पे देखते थे वो अपनी आंखों से देखेंगे, और सच्ची में जन्नत की फील आ रही है। चले हुए हैं हम रास्ते में, और ट्रैफिक बहुत है वैसे तो, बहुत ही ज़्यादा है, ज़्यादातर वैसे पंजाबी हैं, देख ही रहे होंगे आप, वो आके देख रहे ट्रैफिक 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 तो, मतलब मेरे हिसाब से तो कोई अभी तक मैंने 2000 प्लस गाड़ियाँ देख ली। तो भाई गाइस, तो भाई हो चुकी, तो भाई सिस्टम फैला दो आप सारे उत्तराखंड डायरीज का फैलाओ सिस्टम। तो गाइस हम टीरी पहुंच वाले हैं, और यहाँ से हम जाएंगे गंगोत्री यमुनोत्री, ये पुल है। हाँ टीरी लग रहा है जैसे सुजानपुर, टीरा नहीं है, टीरी डैम है कहीं पे, बड़ा फेमस डैम है टीरी डैम होगा कहीं। अरे है टीरी डैम, हाँ टीरी डैम तो सुना मैंने, याद नहीं आ रही कौन सी जगह थी, तो थी या तो मैंने अपनी हिस्ट्री बुक में सुना है। देखो आप सारे आप पुल दिखाते हैं आपको, हमारे दीपांशु जी आ जाए, यार दीपांशु आ जाए, चुप रहिए जरा, व्हाट भाई वेलकम बैक कहो भाई, हमारे मोटे भाई वापस आ चुके हैं, हम दूसरे पुल से जा रहे हैं इस टाइम, ये पता नहीं कहाँ मिलता है, पर देख सकते हो आप देर में टेरी होंगे, कुछ ऐसे से पॉइंट्स भी बने हैं ताकि ट्रक वगैरह इधर इस रोड से ना आ पाए, गाड़ियों के लिए है रोड, और देख सकते हो आप कितना डेंजर है रात के टाइम, तो इधर क्या ट्रैवल करना, सिर्फ हम दो की गाड़ियां हैं और किसी की भी नहीं है, और सिंगल रोड ऊपर से कुछ भी हुआ तो कोई बंदा आ भी नहीं पाएगा। और ये आप सारे व्यू देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, ऐसे लग रहे हैं कि हीरे लगाए हैं बहुत सारे, सोने के नगरी भाई, देख पा रहे होंगे आप सारे कैसे चमक रही है। आप सबको ये रोड दिखा रहा हूँ, सिंगल है और एकदम सुनसान है, मैं तो प्रिफेर ये करूँगा कि जो कोई अकेला हो वो तो ना ही आए यहाँ पे इस रोड से, मतलब दिन दिन में तो ठीक है, अब रात को तो हम भी फर्स्ट टाइम इतनी 10-10 बज गए हैं, और अभी हमको है 169 किलोमीटर अभी भी है हमको, वो सामने है, तो देख सकते हो आप इस रोड की कंडीशन की कितना अकेला रोड है ये, मतलब अलग ही है। साइड में हमारे अब ये नहीं पता गंगोत्री है कि यमुनोत्री है, यमुनोत्री जा रहे हैं ना, साथ में ही है भाई, जैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ है। और ये आप सारे व्यू देख सकते हो, नीचे माँ गंगा चले हुए हैं, वो देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो भाई अभी हो रहे हैं 11:30, और अभी भी हम इसी सिंगल रूट पे हैं, पता नहीं इस बार गूगल मैप कहाँ से लेके जा रहे हैं यार, बकवास सा रोड है, बहुत सिंगल है, सुनसान है एकदम, कुछ भी नहीं है आगे तक, इधर तो लोग ही 8 बजे से पहले ही
अपनी शॉप्स बंद करके घर की लाइटें ऑन की और सो गए हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो भाई लोगों, अभी टाइम हो रहा है 12:12 और ये अभी भी हमको बचा है 130 किलोमीटर्स। तो बहुत अजीब रास्ता है, ख़त्म होने का नाम ही ले रहा है, बहुत पुनौ रास्ता है, ऐसे कर्ली मोड्स हैं, सिंगल रूट है, ऐसे आपको भी हमीरपुर वाली फीलिंग ही रही है कि भाई हमीरपुर में ही है। बट अब सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी आया है क्योंकि कुछ खाया भी नहीं है, खाना भी दिन तो वहाँ से सो गए सारे, और अभी तक हो गए हैं 2:05 और अभी तक हम पहुँचे नहीं है। बट इधर भी खाना नहीं मिल रहा है तो अब क्या ही कर सकते हैं, वो दोस्त आ रहा हमारा। चले अभी हमको बच गया है 70 किलोमीटर, बहुत है। तो टाइम हो रहा है 3:05 और अभी हमको रह गया है 49 किलोमीटर्स। बट अब हम सोच रहे हैं कि स्टे कर लें कहीं, चलो देखते हैं जहाँ का दाल पानी दिख लिखा हो वहाँ पर रुक जाएंगे। बाकी आप देख ही सकते हैं बहुत लंबा स्ट्रगल था। तो गुड मॉर्निंग सबको। बंदे इतने सारे न थार में कि डरेगा कोई भी कि उतरे कैसे। ये देखिए आप यमुनोत्री का सिंगल रोड, हमको यहाँ से 29 किलोमीटर से रह गए यमुनोत्री, और गर्मी बहुत ज़्यादा ही है। सोचा था कि एसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट लगी है। ये देख सकते हो आप यहाँ के रोड कैसे हैं, लैंडस्लाइडिंग का एरिया वो सामने दिख ही रहा होगा। करने हम चले अपने डेस्टिनेशन में, रिस्क रोड है बड़े यार। गाड़ियाँ मैं तो यार 100 बार बोल बैठा, मैं वीडियो बनाते टाइम मत ही करूँ। गाइस अब हम यमुनोत्री के ट्रैक पे आ गए हैं, आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ, आप देख सकते हैं। ये आप यमुनोत्री की पैदल यात्रा देख सकते हैं, वाटरफॉल्स है, बहुत सुंदर पहाड़ियाँ हैं, खच्चर बहुत ज़्यादा चलाएंगे इधर गाँव से, वो भी बेचारियाँ थक गई हैं। देख रहे हैं आप देख सकते हैं लैंडस्लाइडिंग वगैरह का नेचर देख सकते हो, सामने वाटरफॉल है, रास्ते 1 किलोमीटर रह गया पूरा। तो आप जन्नत देख सकते हैं, वाटरफॉल सर मालियास, बहुत ही सुंदर वो देख, बहुत ही सुंदर सीनरी है, बस पहुँच वाला। तो वो सब आप देख सकते हैं हमारी डेस्टिनी, बहुत खूबसूरत। और ये देखिए आप सर, तो आप सारे हमारी पहली धाम देख सकते हैं। भीड़ बहुत है पर सच बात बोलूँ तो बहुत खुशी हो रही है इतना लंबे चलने के बाद। जय माँ यमुनोत्री। तो हम पहुँच गए हैं माता रानी के दर्शन करने हैं, यमुनोत्री माता जी हम सारे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। नीचे हॉट स्प्रिंग है, अब हम उधर नहाएंगे, पहले गंगोत्री का पानी देखते हैं। ये देख सकते हैं आप पहाड़ों से। तो हमने यमुनोत्री की यात्रा पूरी कर ली, अब हम चले गंगोत्री की तरफ। टाइम हो रहा है 8:20 एंड
मस्त ऐसा ना सेटिंग कर रहे थे स्पेस के लिए, हम सबको पार्किंग हो गई थी, गाड़ी में बैठ के चले हैं।